कि आपका फेवरेबल कलर कौन सा है जो आपको धन का आकर्षण केंद्र बना देगा, कौन सा है आपका लकी कलर और उसको कैसे यूज करना है, अपनी लाइफ में कहां कहां उस कलर को आप लगा सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी आपकी जन्म कुंडली में आप अपने धन के ग्रह को कैसे देखें और कैसे उसे मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। आपका जो लकी कलर है आपकी राशि के अनुसार, अगर आप इसको यूज करते हैं और सही ढंग से यूज करते हैं तो ये डेली बेसिस पे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। अगर आपकी राशि तुला राशि है यानी कि मिथुन राशि है, या फिर आपके नाम का प्रथम अक्षर इन किसी अक्षरों में से शुरू होता है, ऐसे में आपके लिए जो लकी और फेवरेबल कलर है वो है व्हाइट, वो भी प्योर व्हाइट, जो स्पार्कलिंग व्हाइट होता है। आप उसे जितना अपनी लाइफ में यूज करेंगे आप धन के उतने बड़े आकर्षण केंद्र बनेंगे, चुंबक बनेंगे, मैग्नेट बनेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके लकी कलर को, आपके फेवरेबल कलर को आपको कहाँ कहाँ यूज करना है। आप इस कलर को डेली कपड़े जो पहनते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपना फेवरेबल लकी कलर यूज करेंगे उतना ज्यादा वो आपको बेनिफिट करेगा, धन को आपकी ओर आकर्षित करेगा। आप चाहे तो इसको अपने वॉल कलर्स में भी यूज कर सकते हैं, यानी जिस कमरे में आप बैठते हैं उसके अंदर भी इन कलर्स को आप ऐड कर सकते हैं, पेंट करा सकते हैं इस कलर का। जो टेबल्स है, चेयर्स है, जो उसकी जो अपहोल्स्ट्री है, उसका जो कपड़ा है उसमें आप यूज कर सकते हैं टेबल कलर, या टेबल का जो कवर है उसमें यूज कर सकते हैं। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ऑफिस है आपका कोई या शॉप है उसमें भी आप अपना फेवरेबल कलर जितना यूज करेंगे वो उतना आपको अच्छी वाइब्रेशंस लेकर के आएगा। साथ ही आपके जो सोने वाली बेडशीट है ये बहुत जरूरी होती है। आप जिस कलर पे सो रहे हैं वो आपको उसी तरीके से वो जो कलर है वो आपको इफेक्ट करता है, आपके चक्रास को भी बैलेंस करता है। तो इसीलिए आप उस कलर को अपनी बेडशीट्स में भी यूज कर सकते हैं, कर्टन्स में यूज कर सकते हैं, आप उसे अपने मोबाइल के वॉलपेपर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना लकी कलर को देखोगे उतना लकी बनोगे। अपनी कार में आप इसे यूज कर सकते हैं, अपनी बाइक में यूज कर सकते हैं, आप घर के बाहर का जो पेंट है उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। और जहां भी आपको लगता है कि कलर की बात है तो हमेशा अपने लकी कलर को, अपने फेवरेबल कलर को ही आप चॉइस करें। हाँ, बस ये मत समझिएगा कि गुरु माँ ने हमको बता दिया है तो हम बस ये तीन उपाय करके घर पे बैठ जाएंगे और धन हमारी ओर खूब चल के आता जाएगा। देखो, मेहनत तो आपको करनी है, कर्म तो प्रधान है ही इस कर्म भूमि में, लेकिन हाँ, जो मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है इस तरह के उपाय करने से वो मेहनत का फल आपको मिलने लगता है। अगर आपको लगता है कि गुरु माँ बहुत उपाय कर लिए हैं, थक गए हैं, समझ नहीं आता क्या करें, तो बिल्कुल मत परेशान होइए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ है। जिन लोगों के पास धन की कमी है उनके लिए हम फ्री जनता दरबार लगाते हैं। आप किसी भी गुरुवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आकर के हमसे मुलाकात कर सकते हैं। एक रुपया हम उसमें चार्ज नहीं करते हैं, आपको फ्री उपाय बताएंगे, आपकी कुंडली देखेंगे, आपको परामर्श देंगे, जिसकी कुंडली भी नहीं है उसकी फेस रीडिंग करेंगे, उसका चेहरा देख के उपाय बताएंगे। और प्रभु की कृपा है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, अब तक जिसको भी उपाय बताए हैं उसको फलित भी होते हैं और सही भी सिद्ध होते हैं। अगर आपको धन की समस्या नहीं है, घर बैठे बैठे उपाय लेना चाहते हो, फिर भी चिंता मत करो, वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। जो नंबर आपके पास हमारी संस्था के फ्लैश हो रहे हैं, हमारे मंदिर के फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप कॉल कीजिए और वहां से सारी इंफॉर्मेशन लेके आप ऑटोमेटिकली जो अपॉइंटमेंट है वीडियो कॉल का वो बुक कर सकते हैं। क्या लगता है आपको उपाय काम करते हैं, या आपको लगता है ये सारी चीजें सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, तो चलो किसी से मिलवाती हूँ जिन्होंने उपाय किए हैं और उनको उसका प्रभाव भी महसूस हुआ है। उसके बाद आपको बताऊंगी कि अपनी जन्म कुंडली में ग्रह अपने धन वाले कैसे देखने। गुरु मां जय शनिदेव, 2020 में मैंने आपसे कांटेक्ट किया था और आपने मुझे कुछ रत्न धारण करने के लिए दिए थे, जिनमें एक नीलम है, एक मूंगा है और एक अमेरिकन डायमंड है। तो इन रिंग्स को पहनने के बाद हाँ, कुछ पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आई थी। उस समय मैं एक कोर्ट केस में फंसा हुआ था और चांसेस बन रहे थे कि मैं अरेस्ट हो सकता था। अरेस्ट उस केस में, जो कि एक ऐसा केस था जिसमें फेक FIR दर्ज हुई थी, आपने बताया था कि अरेस्ट होने के चांसेस हैं,
लेकिन आई थिंक आपने जो स्टोन्स पहनाए थे उनसे मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। और 2020 में सभी के काम डाउन हो गए थे, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा जो बिजनेस था कैरियर का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे बाकी लोगों की तरह काम नहीं छोड़ना पड़ा था। हमारा काम बढ़ गया था 2020, 2021, 2022 में भी हमारा काम बढ़ा है, इंक्रीमेंट भी हुए हैं। तो इसके अलावा मैंने फ़िलहाल अभी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है एक, पिताजी की तरफ से मिली हुई है, वहाँ थोड़ा फ़ायदा हुआ है, थोड़ी सेविंग्स करके अपना खुद का एक छोटा सा कमरा बना लिया है, जिसमें जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा घर है। तो ये सभी मुझे लगता है आपकी कृपा से हुआ है। अब मैं आपको आपकी जन्म कुंडली देखना सिखाती हूँ, जिसमें आप अपने धन की स्थिति को समझ सकते हैं। आप सबके पास अपनी जन्म कुंडली तो होगी ही, तो जो उसका लगन चार्ट होता है, जहाँ पे लगन लिखा होगा, वो जो पहला टेबा होता है उसको खोल लीजिए। अब इसमें आपने तीन ग्रहों को देखना है, क्योंकि धन संबंधी तीन ग्रह जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहला है शुक्र। शुक्र ग्रह अगर व्यक्ति का अच्छा है तो उसको धन की कमी नहीं होती, उसके पास हर सुख सुविधा होती है, उसको कहीं से भी एक लग्जूरियस लाइफ मिल जाएगी। चाहे ऐसा व्यक्ति किसी भी गरीब घर में जन्म ले, लेकिन धीरे धीरे करके उसके जीवन में ये सारी सुख सुविधाएं, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे अच्छा रहन सहन हो, अच्छा कपड़े हो, अच्छा खाना हो, उसे सब कुछ मिलता है, क्योंकि शुक्र जो है वो लक्ष्मी के कारक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जहां भी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र लिखा है, वो शुक्र देख लीजिए कहां बैठे हैं। जो मैं आपको दिखा रही हूँ टेबल, उस टेबल को ध्यान से देख लो। शुक्र इन घर में या इन राशि में बैठे नहीं होने चाहिए। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट चीज आपको देखनी है, आपका शुक्र ग्रह नीच का ना हो, यानी कि 6 नंबर राशि में नहीं बैठा हो। अगर 6 नंबर राशि में बैठा है, इसका मतलब वो नीच का है, आपको शुभ फल नहीं देगा, धन की तंगी बनी रहेगी, धन से परेशान रहेगी। अगर उच्च का है, 12 नंबर में बैठा है, 12 नंबर राशि में है, मीन राशि में, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है, धन की स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। और भी शुक्र के जो अच्छे घर होते हैं, जो अच्छी राशि होती है, जो मित्र घर होते हैं, वो सब मैं आपको इस टेबल में दिखा रही हूँ, आप इसको देख के समझ सकते हैं। अब आपने अपना शुक्र देखना है, और शुक्र देखना है कौन से नंबर में है। अब इस टेबल से मैच कर लीजिए कि आपको पता चल जाएगा आपका शुक्र अच्छा है, नहीं है या सम है, यानी कि सम का मतलब अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है, बीच का है, आपको एवरेज रिजल्ट देगा, एवरेज फल देगा। दूसरे नंबर का जो ग्रह होता है, जो धन के लिए बहुत जरूरी है, वो है बुध। बुध हमारे व्यापार का कारक है, बुध लक्ष्मी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो बुध की स्थिति देखने भी बहुत जरूरी है। तो अब अपनी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति देखिए कि कौन सी राशि में बैठा है। बुध 12 नंबर राशि में नहीं होना चाहिए, जहां मीन राशि है 12 नंबर लिखा है, अगर आपका बुध वहां है तो पक्का भैया गड़बड़ है, फिर तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, 6 नंबर राशि में बैठा है या 3 नंबर राशि में बैठा है तो अच्छा है, 6 में बैठा है तो उच्च का हो जाएगा, 3 में बैठा है तो स्वग्रही हो गया, आपके लिए अच्छा है। और इसके लिए बुध अच्छा है या नहीं, कौन से नंबर आपकी राशि में बैठा है, वो टेबल देखिए, और उस टेबल का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, देख करके कि आप अनुमान लगा लीजिए कि आपके लिए बुध अच्छा है, बुरा है या सम है। क्योंकि एक मंदिर को चलाने के लिए, एक आश्रम को चलाने के लिए, एक धार्मिक संस्था को चलाने के लिए भी तो अर्थ की आवश्यकता है, तो उसको चलाने के लिए मैं स्वयं इसका प्रयोग करती हूँ, और मेरे जितने भी भक्त हैं, जब उनको आर्थिक दिक्कत आती है तो वही सजेस्ट करती हूँ। आप लोगों के लिए जो हमने नौग्रह का लॉकेट बनाया है, जिसे हम सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट कहते हैं, उसमें भी हमने एक कर्क कौड़ी लगाई है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कर्क कौड़ी बहुत प्रिय है। और जब हम इस कर्क कौड़ी को माता लक्ष्मी की ये जो श्री सूक्त का जो स्त्रोत्र है, जो पाठ है, जो ऋचाएं है, इससे हम मंत्र सिद्ध करते हैं, तो तब उसका फल आपको कई गुना होकर के मिलता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और जितने भी लोगों ने आज तक सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट पहना है, उनकी आर्थिक समस्या जरूर दूर हुई है। अगर आपको धन संबंधी ऐसी समस्या है तो आप श्री सूक्त का रोजाना पाठ करें, और चाहे तो हमारी गुरुमा फाउंडेशन एवं शनिपीठ मंदिर से आप लॉकेट भी अपने लिए मंगा सकते हैं। करते हैं तीसरे ग्रह की, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आपको एक अच्छा जीवन दिला ही देगा।
मान सम्मान रहेगा, सोसाइटी में लोगों के बीच में आपकी धाक जमेगी, आप जहां जाएंगे लोग आपको एक अच्छा इंसान समझेंगे, एक सम्मानित व्यक्ति समझेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ में धन व्यवस्था भी बढ़ेगी, क्योंकि आज के इस कलयुग में जिसके पास धन है उसके पास नाम भी है, उसके पास जिसके पास पैसा है उसके पास लोग भी हैं, उसका एक अच्छा सोशल सर्कल भी। तो बृहस्पति अगर अच्छे होंगे तो धन के रास्ते भी बनाएंगे, नाम भी देंगे, सम्मान भी देंगे। अब आपने देखना है अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति कौन सी राशि में बैठा है। अगर 10 नंबर राशि में बैठा है मतलब कि नीच का है तो बिल्कुल खराब हो गया, आपको हमेशा सम्मान भी नहीं मिलेगा और धन से भी तंग रहेंगे। अगर आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो अच्छी जगह बैठा है यानी कि 4 नंबर राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, तो उच्च का है, अच्छे फल देगा। अपनी ही राशि में बैठा है, धनु में बैठा है, मीन में बैठा है यानी 9 नंबर में है, 12 नंबर में है, तो भी अच्छे फल देगा। बाकी आपकी कौन सी राशि में है आप उस टेबल से टैली कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बेसिक एक बता दिया, वैसे बहुत सारी चीजें और देखी जाती हैं धन की स्थिति के लिए, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब इसमें मान लीजिए कोई ग्रह आपका किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, किसी ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है, राहु केतु परेशान कर रहे हैं तब भी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा इससे आप आंकलन कर सकते हैं कि आपकी धन की स्थिति जीवन भर कैसी रहेगी और कैसे इसको बढ़िया भी करना है, वो भी मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। अब दूसरी एक और चीज आपको अपनी जन्म कुंडली में देखनी है। जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 घर होते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कौन सा घर किस चीज के लिए होता है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अब इसमें धन के लिए दूसरा घर और एकादश घर यानी कि 11वां घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर 2 नंबर घर में कोई अच्छा ग्रह है तो फल देगा, आपकी 11 नंबर घर में अच्छा ग्रह है तो आपको फल देगा, या तीनों में से जो मैंने आपको बताए हैं शुक्र बुध और बृहस्पति अगर ये बैठे हैं दोनों में से किसी भी घर में और अच्छे उच्च होके बैठे हैं तो धन की स्थिति जीवन भर बहुत अच्छी रहेगी। अब आपने अपने द्वितीय भाव को और एकादश भाव को देखना है, वहां देखना है कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा है, राहु केतु तो नहीं बैठा है, अच्छे घर है कि नहीं और वो अच्छी राशि में है कि नहीं, और ऐसे ही इसके आगे भावेश की स्थिति भी देखी जाती है यानी कि उस भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति क्या है, उसके हिसाब से भी हम देखते हैं। लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके ग्रह धन के कैसे है। लेकिन एक और रूल समझ लो, एकादश भाव में कहते हैं जो भी ग्रह बैठा हो चाहे वो नीच हो चाहे वो क्रूर हो वो भी अच्छा परिणाम देने लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है, मुझे वो रिजल्ट जो मेरी मेहनत का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको इन तीनों ग्रह को अच्छा करने के लिए उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को आप फॉलो करिए, छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं, आपको धन की स्थिति जरूर बेहतर होती हुई दिखाई देगी। मात्र 21 दिन करके देखो, बहुत चीजें बेटर होंगी। उसके बाद एक बार आकर के या तो गुरु माँ से दिल्ली में मिलना, नहीं तो मुझे फोन कर लेना, वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं आपको आगे क्या करना है वो बताऊंगा। आपका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है आपको पता चल गया है, नीच राशियों में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, ऐसे में क्या करेंगे, शुक्र को अच्छा करो, बलवान करने के लिए क्या करो, उसके लिए आपको रोजाना परफ्यूम का यूज करना है, नेचुरल इत्र या परफ्यूम आप लगाना शुरू करें। अब ये मत कहना कि गुरु माँ हमें अच्छा नहीं लगता है, अरे आपको नहीं अच्छा लगता, शुक्र देवता को तो लगता है, उनके खुशी के लिए आपको लगाना है। अच्छा सा कोई फ्लोरल सेंट आपको लगाना है, परफ्यूम लगा सकते हो, डिओडोरेंट लगा सकते हो जिसमें फूलों की खुशबू हो, जितना नेचुरल हो उतना अच्छा है, इत्र भी आप प्रयोग कर सकते हो या अपनी राशि अनुसार भी आप परफ्यूम का यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में आपको कौन सा फेवरेबल आपके लिए परफ्यूम है आपकी राशि के हिसाब से वो बताऊंगी, लेकिन आप शुक्र को अच्छा करने के लिए कोई सा भी परफ्यूम लगाओ वो काम करेगा। दूसरा है आपको अपने नहाने की पानी की जो बाल्टी है उसके अंदर जो बड़ी इलायची रहती है काली रंग की, वो आपने डाल ली, उसे डाल करके आप रोजाना स्नान करो और उसके बाद आप उसको किसी मिट्टी में फेंक देना, ना तो डस्टबिन में फेंकना ना नाली में गिराना, आप उस इलायची को मिट्टी में या तो गाड़ दीजिए, गाड़ नहीं सकते हैं तो मिट्टी में आप डाल दीजिए, रख दीजिए, फेंक दीजिए, लेकिन डस्टबिन या नाली में मत फेंकना। इससे रोजाना स्नान करोगे आप देखोगे 21 दिन के भीतर भीतर आपका शुक्र आपको अच्छा फल देने लगा है। अगर आपको दिखा आपका बुध अच्छा नहीं
और हाँ, एक और प्रश्न आप लोग करेंगे कि क्या हम सारे उपाय कर सकते हैं, तो तीनों ग्रह के उपाय भी आप साथ में कर सकते हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब मान लो आपका बुध ग्रह अच्छा नहीं है, आपको पता चला नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, आपने रात के समय हरे मूंग की दाल साबुत लेके आनी है, उसको भिगोना है एक मुट्ठी, और भिगोने के बाद जब वो मुलायम हो जाए सुबह के समय अपने खाने से पहले उसे पक्षियों में या कबूतरों के बीच में डाल दीजिए। दूसरा उपाय करना है, आपके आसपास जो भी माता का मंदिर हो, देवी माँ का मंदिर हो, वहां सेवा करो, तन मन धन जो आप कर सको वहां सेवा दो, आप देखोगे आपके बुध ग्रह अच्छे होने लगे हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। अगर आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने किसी गुरुकुल जहां पर के वैदिक शिक्षा दी जाती हो, जहां बच्चों को धर्म सिखाया जाता हो, अच्छा ज्ञान दिया जाता हो, वहां कुछ भी सेवा करनी है या दान करना है, वहां दान करने से बृहस्पति बहुत प्रसन्न होंगे, आपको अच्छे फल देंगे। दूसरा आपको करना है बृहस्पति के लिए, आपने अपना जो पूजा घर है, जो मंदिर है या मंदिर का कमरा है, उसे खुद साफ करना है और रोजाना साफ करना है, और जितना साफ करोगे, जितना अच्छा रखोगे रोजाना, आपके बृहस्पति उतने प्रसन्न होते जाएंगे। अब एक मिस्टेक आप हमेशा करते हैं, उपाय तो खूब करते रहते हो, कहते हो लगते नहीं है, अरे भैया उपाय करते हो तो प्रार्थना भी तो किया करो, भगवान को ये भी तो बताओ प्रभु मुझे ये चाहिए। कलयुग में तो माता अगर उसके सामने रो नहीं तो वो भी दूध ही पिलाती, तो आपको अपने परम पिता परमेश्वर, अपने ईश्वर, अपने देवता को बताना तो पड़ेगा कि प्रभु इस हेतु हम ये उपाय कर रहे हैं। तो आप सभी उपाय करते समय प्रार्थना अवश्य करें, अपने इष्ट से, उस देवी देवता से जिसके लिए आप कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना में इतनी शक्ति, इतना भाव होता है कि वो उन तक जरूर पहुंचेगा और वो विवश हो जाएंगे कि वो आपको फल दें। आज के लिए यही समाप्त करते हैं, ये जो उपाय बताए हैं इसको जरूर आजमाएं और फिर देखें सनातन हिंदू धर्म में कितनी शक्ति है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।